लेग्जी रूठ गई है तुमसे, इसको मनाओ, रूठ गई है देख ले, खेल नहीं रही तुम्हारे साथ, इसे माफी मांगो, वो नाराज है। अच्छा इससे सॉरी बोलो, सॉरी बोलो इसको, सॉरी तो बोलो इसको, अच्छा इसको सॉरी बोलो, फिर नहीं काटेगी, सॉरी बोलो, गुस्सा कर रही है, देखो गुस्सा कर रही है, वो नाराज है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शुक्रिया। और इधर आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ये वाली हमारी जो बेल है माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी इंतज़ार था कि इसके ऊपर फूल लगें और माशाल्लाह से ये देखें जूँ ही सर्दी आई है ना इसके ऊपर फूल लगना स्टार्ट हो गए और बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। जिस तरह से गहरा कलर गुलाब का होता है ना उसी तरह इसका भी कलर है, कुछ लाइट कलर में होती हैं वो वाली ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन ये गहरा कलर है ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अब तो ये दीवार के ऊपर भी काफ़ी हद तक चढ़ गई है, दीवार से ऊपर निकल गई है, ये देखें अभी तक जो है ना दूसरी साइड पर लटकी नहीं है, बस ऊपर ऊपर नज़र आ रही है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ग्रो करेगी तो दूसरी साइड पर भी लटकना शुरू हो जाएगी और फूल दूसरी साइड पे भी नजर आएंगे। आज से हमने घर की सफाई मुहिम जो है शुरू कर दी है, घर की हालत भाई बहुत खराब हुई पड़ी है, काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे भाई इस घर को मेंटेन कर ले, बना तो लिया है लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब इसको हमने इसके रहने के काबिल बनाना है। ये देखे ना इसकी जो विंडोज हैं काफी खराब हुई पड़ी है, जाले बने हुए हैं यहाँ पे, मकड़ियों ने बहुत से जाले बना दिए और उधर वहां पे देखे भाई अखीर जाले नजर आ रहे हैं और ऊपर से कुछ कीड़े मकोड़े यहाँ पे आते हैं और इस तरह के अपने घर बनाते हैं, ये देखें जो कि काफी बुरे लग रहे हैं। तो आज से सफाई जो है करना स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ना इंशाल्लाह अच्छी तरह इसको साफ कर लेंगे। आज यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं बैठक से, तो शुरू करें मजी। इसका लॉक भी टूट गया था लास्ट टाइम, ये देखें यहाँ पे इसका लॉक लगता है ये वाला, तो जो कुंडी सी होती है ना वो टूट गई है, तो इसका अब लॉक भी लगवाना है। अभी तो मेरे ख्याल में अंदर की तरफ ग्रिल लगेगी क्योंकि विंडो जो है ना वो बाहर वाली साइड पे, ये देखना दीवार की बाहर वाली साइड पे विंडो लगी हुई है और यहाँ पे हम लगवाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रिल लगवा लेंगे। वैसे इतना ज्यादा मसला नहीं है, ग्रिल ना भी लगवाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी के लिए ना वो चीज होनी चाहिए। बाकी हवेली है हमारी चारों तरफ से, तो उसके अंदर ये हमारी बिल्डिंग है, अगर हवेली बाहर ना होती ना जिस तरह से ये बनी हुई है तो फिर तो लाजमी था कि हम ग्रिल लगवाते, बल्कि लगवानी पड़नी थी। अभी टाइम पड़ा है इन चीजों में, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जो है ना कवर कर लूंगा। फिलहाल तो जो है ना विंडो की सफाई करते हैं, ये देखे इसमें काफी ज्यादा मट्टी फंसी पड़ी है, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। जब तक घर का मालिक घर में ना हो तो भाई घर का कोई हाल नहीं है, ऐसे ही ना। ये वाली मशीन मंगवाई है जी, इसके साथ हवा की मदद से ये जो मट्टी है ना ये यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखें पहले यहाँ पे कितनी ज़्यादा मिट्टी थी इस जगह पे और काफ़ी हद तक जो है ना ये साफ़ हो गई है। अभी यहाँ पे मिट्टी वगैरह है लेकिन ये जमी पड़ी है, यहाँ पे कपड़ा वगैरह मारना पड़ेगा तभी जाके ये जगह साफ़ होगी, तो कोशिश करते हैं। काले कपड़े पहने हुए थे भाई, इन कपड़ों पे मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपकती है, ये देखें ना सामने नज़र आ रही है। अब मुझे ये कपड़े भी शाम के वक्त उतारना पड़ेंगे भाई, एक दिन का ये काम नहीं है, खुद अगर करना है तो काफ़ी देर लगेगी इस पर, अगर कोई मजदूर वगैरह रख के ना ये काम करवाया जाए तो फिर है कि एक दिन में इसकी सफाई हो जाए अच्छे से। कुछ हद तक खुद कोशिश करते हैं और फिर जब बाकी नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद फिर कोई मजदूर वगैरह लगा लेंगे। इधर रही हमारी लेग्जी, अच्छा मेरे से थोड़ा सा नाराज़ भी है, इसको मैंने पहले झिड़का थोड़ा सा, मुझे तंग कर रही थी, वीडियो बना रहा था तो बार बार ये घुस रही थी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसको मैंने थोड़ा सा झिड़का है। लेग्जी ये देखिए गुस्से में नहीं नहीं ठीक है, थोड़ी देर गुस्से में रह उसके बाद मैं तुम्हें मना लूँगा, मान गई नहीं नहीं लेग्जी नहीं, अभी मैंने काम करना है उसके बाद तुम्हारे साथ भी खेलूंगा, चलो भाई इधर ही बैठना है। तो चलें जी कपड़ा मैं लपेट लेता हूँ अपने फेस पे भी और सर पे भी ताकि मिट्टी वगैरह ना पड़े। फेस मेरा अच्छे से कवर हो गया है, एहतियाती तदाबीर हो चुकी हैं, तो काम शुरू करते हैं। इसकी सफाई तब भी होनी है ये जाले वगैरह और जो वो मट्टी के गाल इस तरह से वो बने हुए हैं, जब पेट का काम यहाँ पे होगा। ले जी एक औजार हमारी और लेके आ गई है,
टीशर्ट जो है बहुत ज्यादा खराब हो गए, इनको धोना पड़ना, गीला कपड़ा डाल के ना ऊपर मारना पड़ेगा। छोटी सी जो गैलरी बनी हुई है इसमें भी भाई मकड़ियों ने कमाल किया हुआ है, यहाँ पे खंडर बना पड़ा है, खंडर। विंडोज वगैरह साफ कर लेते हैं उसके बाद, फिर ये काफी लंबा काम है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इस वाले विंडो का तो बहुत ही बुरा हाल है, ये देखे बच्चों ने इसमें बजरी वगैरह भर दी है, ये इसके जो स्लाइडिंग वाली जगह बनी हुई है, तो बजरी निकालना मुश्किल है इस हवा से, तो मेरे ख्याल में ये बजरी नहीं निकलेगी, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। भाई कमाल का प्रेशर है इस मशीन का, ये देखें इसमें से उसने बजरी भी निकाल दी है। भाई इधर किचन में सफाई की है, यहाँ पे पहले पत्थर की कटाई वगैरह हुई है, तो बहुत ज़्यादा दूरघट्टा इसमें जमा हुआ था, तो मशीन के साथ मैंने विंडो को साफ करने की कोशिश की है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मट्टी थी, बहुत ज़्यादा मट्टी जो है ना किचन में इस तरह उड़ रही है। ये मेरे ख्याल में ना झाड़ू के साथ साफ करने वाली जगह थी, लेकिन मैंने हवा के साथ कर दी। एग्जॉस्ट वगैरह चलाया तो अब मट्टी वगैरह जो है ना बाहर निकल जाएगी। मैं अपना दुपट्टा उतार लेता हूँ, कपड़ों के ऊपर तो भाई बहुत ज़्यादा मट्टी जम गई है। भाई आजकल हमारे पंखे जो है ना बड़ा नाटक कर रहे हैं, इनका जो डिमर है ना वो काम नहीं करता, फुल स्पीड पे हो तो फिर हमारा पंखा चलता है, नहीं तो नहीं काम करता, तो वही अभी हम ठीक करवाने लगे हैं। ये वाला डिमर जो है अब निकलवा के नया लगवाना है, ये वाला डिमर तो हमारा लग गया, लेकिन ये देखें इसका कलर जो है ना जो पहले बोर्ड पूरा बना हुआ है उससे मुख्तलिफ है, बस यही वाली प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि अब फैन सही काम करने लग गया है, तो भाई इसी तरह हमारे दूसरे कमरे का भी खराब है, वो भी आपने चेंज करना है। ये कैप जो है ना ये हमने पहले वाले डिमर की इसके ऊपर लगाई है, सही डिजाइन बन गई है। आ जाए भाई मैं दूसरे कमरे का भी आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये भी उसी तरह काम करता है, मतलब स्पीड स्लो हो तो कुछ देर बाद खुद ही रुक जाएगा चलता चलता, और अगर फुल स्पीड हो तो फिर चलता रहता है। इसको भी चेंज करना है, इसका ये वाला निकाल देना आपने, ये किचन में लगा हुआ है, यहाँ फिलहाल हमने फैन लगाना कोई नहीं, तो वो जो है इस गैप को फिल करने के लिए वो उतार के इधर फिक्स कर दें और ये उतार के वहाँ पे, तो इस तरह से ना हमारा बोर्ड जो है ना कंप्लीट रहेगा। चलें जी, ये वाला तो हमने निकाल लिया है यहाँ से, यहाँ पे गैप बन गया है, अब सही वाला जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं और खराब वाला उतार के उधर लगा देंगे। कीती जाओ पे बाद में कोई रोला बंदा ही नहीं, दो मिनट लग दे। लें जी ये वाला भी ठीक हो चुका है, ये देखें इसकी कम से कम जो स्पीड है ये वाली है, इतना चल रहा है, और फुल स्पीड चेक करें ये, और अब तो भाई क्या कमाल की स्पीड पकड़ रहा है।